नमस्कार मित्रों, हर हर शंभु, जय महादेव जी की। और हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताते हैं प्रदेव मिश्रा जी के बारे में, जो कि शिव पुराण कथा करते हैं और बहुत ही अद्भुत पावन कथा करते हैं। और आप देख सकते हैं इनकी हरियाणा में कथा चल रही है, जो कि आज पाँचवा दिन है और बहुत ही अद्भुत कथा चल रही है। और देख सकते हैं मस्तक पे चंदन है, महाराज जी ने पीले सफ़ेद वस्त्र पहन रखे हैं और पब्लिक देख सकते हैं, ऐसा लगता है पंडाल को देख के जी देहेंद्र शास्त्री जी आए हों। और बहुत ज़्यादा अद्भुत कथा और बहुत ही पावन कथा करते हैं। और देख सकते हैं कि प्यारे समय लड्डू गोपाल जी इनके आगे, कथा व्यास जी के आगे विराज रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और महाराज जी शिव पुराण कथा में सिर्फ शिव पुराण ही कथा तो करते करते हैं, और हमारे कुछ नियम और विधि विधान माँ शिवली महादेव जी को मनाना और इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी भक्त महादेव जी के प्यारे भक्त श्रद्धालु भक्त आते हैं। और इनको शिवपुरोनी के बाबा के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत अद्भुत और चमत्कार भी होता है वहाँ धाम पर। और अब जैसे कि आपने देखा था रुद्राक्ष सिद्ध हुए थे, और महाकालेश्वर जो बहुत ही अद्भुत महादेव जी हैं हमारे, बहुत ही कृपामय, बहुत दयालु हैं, भोले बाबा हैं वो, और बहुत ज़्यादा नियम बताते हैं और बहुत अद्भुत इनकी कथा होती है। काफ़ी भक्त आते हैं और हमारे जीवन में जो हमारे लिए जो बातें संस्कृति जो हमारी है उसके बारे में बताते हैं, और छोटे से बड़ा जाते हैं और कथा में सुनने, और बच्चों को भी लेके जाया करो ताकि अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे विचार आएंगे और अच्छे ही जीवन में बदलाव आएगा। कथा हमारे बहुत ही बदलाव लाती है जीवन में। और देख सकते हैं जुड़वा बच्चे हुए महादेव की कृपा से, जो कि उस और रहते महाराज जी की गोदी में दिए, और महाराज जी बहुत खुश हुए, और बहुत ही ऐसी कृपा महादेव जी की सभी पर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।